मेरी फैमिली कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो। और नासिक के क्लाइमेट में आपको क्या दिखाऊँ, 1 वीक हो गया लेकिन यहाँ पर बारिश शुरू से नहीं रही है। आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा होकर। यहाँ पर बारिश शुरू से नहीं रही, इतनी बारिश की कंटिन्यू बारिश यहाँ पर हो रही है। हो रहे 6 o'clock। मैंने इतना जल्दी जाना था जो कि चले गए बिकॉज उनको दो जगह जाना था, चले गए। और ये मेरे काजल फैल गए, मैं भी निकलूँगी 8 बजे, तब तक मैं घर का थोड़ा काम कर लूँगी। और आवाज़ क्लियर नहीं आएगी बिकॉज इतनी बारिश हो रही है ना, और हमारे दोनों साइड में ऊपर पत्रा लगाया गया जिसकी वजह से आवाज़ उसकी ज़्यादा आती है हमारे घर में। सो आवाज़ मेरी थोड़ी सी साउंड में प्रॉब्लम होगी। एंड देखो मैंने सब्जी भी काट ली, सब्जी बना के दे भी दिया उनको, भिंडी बना के दिया। और इधर मैंने भैया की सब्जी काटी हुई देने के लिए, कि बना के जाती हूँ ना तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करती हूँ। मैं पीयू भी खा लेती हूँ, पीयू भी घर में, और आज उसको छुट्टी दी गई है उसको, आई थिंक बारिश की वजह से छुट्टी दे दिया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बारिश है, रुक ही नहीं रही है बारिश। लेकिन हमें तो क्या, हमें तो जाना पड़ता है। सो चलो फिर मैं मिलती हूँ आने के बाद। काम गया, छुपा के भी रखा है मेरे मम्मा। आयो तो अभी हो रहे हैं 9 o'clock, रात के 9 o'clock हो रहे हैं। और नवीन गए अपनी बहन के घर पे, मीन्स दीदी के घर पे गए हैं अपनी भांजी को लाने के लिए, बिकॉज वो अकेले हैं तो उसको लाने के लिए गए हैं। आती है तो ठीक है, अगर वो रह जाएगी अकेले तो भी ठीक है, मतलब उसके पास गए हैं वो, कि क्योंकि अकेले हैं, अगर मतलब बोलते हैं ना एक इंसान कंफर्टेबल नहीं फील करता किसी घर पे, तो उसको जैसा लगेगा वैसा करेगी वो। बट नवीन गए हैं, 1 घंटा हो गया 1.5 घंटा हो गए वहीं पर गए हैं उसके पास, देखते हैं क्या होता है। एंड मैं आज आपको दिखाती हूँ कि नवीन ने मुझे मेरे एनिवर्सरी गिफ्ट मुझे क्या दिया है। तो खाना खिलाने के बाद से ये लोग आ जाएँ, फिर खाना वाना खिलाती हूँ, फिर रात को मैं अपने रूम में ही दिखाती हूँ, क्योंकि उसमें ही मैं अभी पीहू के रूम में हूँ, क्योंकि पीहू अभी प्रोजेक्ट की तैयारी कर रही हैं। मैं तो पीहू यहाँ पे प्रोजेक्ट की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं भी ये पढ़ती हूँ तो मैं यहीं बैठ जाती हूँ, क्योंकि जॉब के साथ साथ बच्चों पर भी ध्यान देना ज़रूरी रहता है। क्या हो गया, हो गई फर्स्ट तो हो गई हीरोपंती तेरी। और देखो सॉक्स पहनूँ क्योंकि पैर इतना ठंडा हो जा रहा है ना, सॉक्स पहनी, पीयू भी सॉक्स पहनी है कि ये यहाँ पे पैर फर्स्ट पर रख, क्योंकि अभी यहाँ पे किसी कंटिन्यू बारिश होने लगी ना, तो सॉक्स के रह नहीं सकते हो यहाँ पे, तो मैंने सॉक्स पहन लिए। और मेरे को तो वैसे भी ज़रूरत रहती है सॉक्स की, आपको पता है मेरे पुरानी ब्लॉग देखते होगे तो जो करती थी ना उसी की वजह से करती थी। टच उड़ा भी नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत परेशान हूँ, वो बीमारी मुझे बहुत परेशान किया, लेकिन फिर भी वो बीमारी मुझे छोड़े हुए मार्च से मुझे एक बार भी नहीं हुआ है जुकाम। मोबाइल तो दीदी मासी ने एक लिंक भेजा है मेरे को। हाँ भेजिए, कुछ नहीं व्हाट्सएप। ओके तो देखी थी मैं, तो उसने एक चीज़ का प्रोडक्ट का लिंक भेजा, उसने बोला ये ले तू ले ले, तो मुझे लेने का है, ज़्यादा कॉस्टली दिख रहा है, देखते हैं अभी नवीन आते हैं तो देखते हैं। अभी गए हैं अपनी बहन के घर पे तो देखते हैं क्या करते हैं ये। और यहाँ पर इतनी बारिश हो रही है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती कितनी बारिश हो रही है। और 2 दिन घर पे इंजॉय करो, मतलब इंजॉय नहीं करो, थोड़ा सा अच्छा लगता है घर में रहो ना तो बहुत अच्छा लगता है, घर का काम सो थोड़ा सा तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। एंड अभी मुझे खाना बनाना है लेकिन नहीं बना रही हूँ कि भांजी आ जाएगी, तो अगर साथ में बनाती हूँ देखती हूँ आती है नहीं आती है। सब्ज़ी बना के रखी इसी बुलवाठी में सेक रही हूँ, मुझे 9 o'clock हो भी गए हैं। और कैसे दिन भर थके रहे हो तो ऐसा लगता है रात को जल्दी से बेड पे चले जाओ, मतलब बेड पे जाकर थोड़ा सा मोबाइल चला कर सो लेकिन चले जाओ, ऐसे कैसे अभी उठना है खाना बनाना है, थोड़ा सा आलस सा आता। और ठंडियों का मौसम है तो मैं, हमारे लिए ठंडियों का मौसम है, जैसे आप दिल्ली में आपको फील होता है ना जनवरी में, वैसा हमें फील हो रहा है सॉक्स पहन के, तो इसलिए थोड़ा सा लेटी हूँ, सोच रही हूँ आ जाएँ वो तभी मैं कुछ करती हूँ, बट अभी आए नहीं है। फिर अपने रूम में जाके आपको दिखाती हूँ अपने बेडरूम। गाइज आ गई मैं अपने बेडरूम में, और
अपना दिया हुआ वादा पूरा कर रही हूँ कि मुझे गिफ्ट में क्या मिला था, एनिवर्सरी गिफ्ट क्या मिला था। नवीन भी आ चुके हैं, सो मैं आपको दिखाती हूँ एनिवर्सरी गिफ्ट अपना। जब तक इस इंसान को देखते रहो आप लोग। तो मैं आपका एनिवर्सरी गिफ्ट दिखाती हूँ अपना। दिखाऊँ क्या? दिखाई देती है। एक्चुअली एनिवर्सरी गिफ्ट ना नवीन की पसंद का है, मेरी पसंद का नहीं है, ये नवीन की पसंद का। चेंज करा लेते हैं फिर। चेंज करा लेते हैं फिर। क्यों? हाँ करा दो। ये डैड का ही पसंद था, मेरा पसंद नहीं था। मैं दूसरा पसंद की थी। तो वो क्यों नहीं खरीदा? तू है तो ओपन योर बॉक्स। ओपन व्हाट इंग्लिश? ओपन करो अपना अपना बॉक्स ओपन करो। नहीं तो तुम ओपन करके दिखाओ। प्लीज कमेंट में बताना कि इयररिंग्स कैसा लगा। और मैं इसको, ये ना कुछ पेच वेच लगाने वाली नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे बहुत, ये एक्चुअली इनकी पसंद की थी। मुझे भी पसंद है, हल्की सी है, आप सूट पे डाल सकते हो, जींस पे तो नहीं डाल सकते। ऐसे कुछ कुर्ती उर्ती डालो ना तो उस पर डाल सकते हो। ये देखो ऐसी, और इसकी हैंगिंग ऐसी है, ऐसे सिंपल सा डाल लो। मुझे लॉक वाले में बहुत दिक्कत होती है तो इसके लिए मैंने सोचा ये मंगा लेती हूँ। ये मंगाया क्या, सॉरी, ये नवीन के ज्वेलरी की दुकान से लिया था। मम्मी ने इतनी ऑनलाइन शॉपिंग कर ली थी, यही मंगा लेती हूँ। हाँ मतलब ऐसी ऑनलाइन शॉपिंग मेरी ज़्यादा हो जाती है ना, कि ऐसा लगता है कि हाँ ये भी ऑनलाइन ही, मैं गोल्ड का भी मंगा रही हूँ। और मम्मी ने जो दिया था वो तो मैंने आपको दिखाई दिया कि मम्मी ने क्या रिंग दिया था। और इसके साथ में ना अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्लोज में आपको दिखा रही हूँ कि आपको पसंद है। जो मेरे रिलेटिव देख रहे हैं उनको भी पसंद है, जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं उनको भी पसंद है, सबको पसंद है। I am more beautiful like this. I am more beautiful. Why? Because this earring doesn't cost much more than me. I'm more beautiful. Papa. Hiya. हो गई है, मैं एक्चुअली सो गई थी क्योंकि 12 बज रहे हैं और कल छुट्टी है तो सबको घर पे ही रहना है, इसलिए 12 बज रहे हैं। मैं लाइट ऑफ कर दी थी, अचानक से मुझे याद आया, मैं उठे रे तो इन लोगों ने बोला क्या हुआ, मैंने मेरी ब्लॉगिंग छूट गई है। मैंने फटाफट उठी, लाइट जलाई, मतलब ब्लॉगिंग मस्त लाइट के चिल कर रहे थे, बात वगैरह कर रहे थे। इट्स लाइक अरे यार तेरे क्या हो गया, कुछ हो गया भी तेरे ब्लॉगिंग करने से दिख रहा है यार। सो गुड नाइट गाइस, टेक केयर। और ये रिंग लाइक आज तक यूज ही नहीं हुई है। होती है, मतलब टाइम नहीं मिल पाता। और मैंने आज बहुत सारा बालों में तेल लगा लिया, अभी संडे को धोऊंगी। एलोवेरा तो मैं रोज रात को लगाती हूँ। डैड मतलब आम खा रहे होंगे, उनके सर पे ऐसे एलोवेरा की मालिश करूंगी। ऑयल भी लगाना चाहूंगी, ऑयल आज लगाया मैंने, ज्यादा ऑयल क्योंकि 2 दिन छुट्टी है तो आराम से घर पे एंजॉय करेंगे, तेल लगा के मसाज वसाज करके। बिकॉज काफी दिनों से ना, 10 दिनों से भागमदौड़ बहुत चल रही है, कल थोड़ा आराम करेंगे। ये नहीं करेंगे, ये जाएंगे, ये वहां से हमारे जाएंगे। और मेरे वहां से आज कैसे, मेरे महादेव जी आज कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट बताइए कि मेरे महादेव जी कैसे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। आज सुबह शर्ट पैंट पहन के गए बस मेरे कहने पर। आज आप सुबह शर्ट पैंट पहन के गए बस मेरे कहने पर। बोला मैं ऑफिस जाके, मेरे बेटे ने बोला इसलिए पहन गया, बोला कि नहीं बोला तो पूरे हो गया डरवान क्योंकि पता है ये ऐसा का भी शर्ट पहन पहन के जाते हैं।
मम्मी को उस वक्त फर्क नहीं हुआ, मम्मी उस वक्त कंबल टांग के सोई थी। तो गाइस मेरी ब्लॉग यहीं पे खत्म होती है, यहीं पे बहुत सारा प्यार दो, बहुत सारा व्यू दो, बहुत सारा सब्सक्राइब दो, बहुत सारा लाइक करो, शेयर करो एंड बहुत सारा प्यार दो। प्यार 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 से ही तो आपके आज मैं यहाँ तक, मतलब इतू से इतू हुई हूँ, फिर इतू 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 बड़ी हो जाऊंगी। तो आप लोग प्यार दो, जरूरी नहीं है बड़े बड़े यूट्यूबरों को ही प्यार दो, आप छोटे लोगों को करोगे उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ सारे सारे छोटे यूट्यूबर है ना, एक साथ मिल जाओ, एक दूसरे को सपोर्ट करो, जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर एक दूसरे को सपोर्ट कर, वैसे आप भी करो। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि कोई किसी को जानता, जेलस होती है आज की डेट में, एक दूसरे को देख के जेलस होने लगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ना एक दूसरे को हेल्प करो, जैसे मैं हूँ किसी की हेल्प करूँ, मेरी कोई हेल्प करे, तो ऐसे हम भी काफी आगे बढ़ सकते। सो इस टॉपिक पे मैं कभी और बात करूंगी, क्योंकि कंटेंट तो बाकी रहेगा ना, इसलिए मैं इस कंटेंट को यही खत्म करती हूँ। सो गाइस गुड नाइट, टेक केयर।